बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टारबक्स में हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये माहिरा का है, माहिरा और अरमान शेयर कर रहे हैं ब्राउनी एंड कुकी एंड हॉट चॉकलेट। अरमान दिखाएं अपना ब्राउनी कुकी एंड चॉकलेट। और मेरा है ये कोल्ड कॉफ़ी और मदिरा केक। यम यम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम आ गए स्टारबक्स में ब्रेकफास्ट करने के लिए। बच्चों का भी दिल था, मेरा भी दिल था, थोड़ा काम भी था। मैंने कहा चलो अभी स्कूल की शॉपिंग भी करूँगी बच्चों की। बच्चों के लेने आए स्कूल के कपड़े और शूज़। तो शूज़ लेने के लिए हम जाएंगे क्लॉक क्लॉक से लेंगे बच्चों के शूज़। तो आज पूरा दिन आप मेरे साथ यूं ही रहें और देखें मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं स्टारबक्स में। बहुत मज़े किया, सेम जैसे मैं बनाती हूँ वैसी है। केक भी नाइस है, लेमन मदिरा की। सुबह का टाइम है ना, क्वाइट है। इंशाल्लाह हम शाम तक फारिग हो जाएंगे, घर जाएंगे। आफ्टरनून में मेरा ये होता है, अभी नाश्ता करती हूँ ना तो मुझे आफ्टरनून की फिक्र पड़ जाती है कि आफ्टरनून में क्या खाना है। तो मेरा दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को, शायद पिज़्ज़ा हट लेकर जाऊँ इनको, लेकिन अभी कुछ नहीं पता। शायद घर जाके पराठे बना दूँ योगर्ट के साथ। अब मेरे साथ यूँ ही बने रहे आज पूरा दिन, तो मेरे साथ चलें शॉपिंग। मैं आ गई घर शॉपिंग करके। सॉरी, मुझे वहाँ पे मैं इतना बिजी हो गई थी ना और बच्चे भी इतना टायर्ड हो गए थे कि मैं वीडियो ही नहीं बना सकी। और बिजी भी बहुत था शायद इसलिए कि अभी लास्ट वीक जा रहा है, स्कूल खुलने वाले हैं, तो बहुत बिजी था, तो इसलिए मैं फिर वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा घर आके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने शॉपिंग क्या की है। प्राइमार्क से ही ज़्यादा चीज़ें ली हैं, प्राइमार्क ही गई थी, वहीं से ही सब कुछ मिल गया। क्लॉक गई थी, वहाँ से बच्चों के शूज़ मेयर करवाए, पाँव मेयर करवाए, साइज़ देखा, शूज़ देखे, लेकिन कोई इतने ख़ास मुझे वहाँ पे शूज़ नहीं लगे। तो फिर मैं प्राइमार्क गई तो वहाँ पे मुझे अच्छी प्राइस और अच्छे शूज़ मिल गए, तो मैंने फिर स्कूल के शूज़ प्राइमार्क से लिए फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये पूरा बैग इतना बिग। ये वाली कितने की आई है, साइज मैंने लिया है अरमान का 9 to 10 और 19 pound की है। और हुडी भी साथ है, डबल जिप है और बटन भी है, 2 pockets हैं। पता है उसको ना अपनी जैकेट फेंकनी नहीं है, 2 साल से एक जैकेट पहन रहा है। मैं उसको नई जैकेट ला के देती हूँ, नई जैकेट स्कूल में घुमा देता है, कहता है कि मुझे नहीं पहननी, मुझे वही जैकेट पहननी है। मैंने उसको सेम वैसी जैकेट ला के भी दी है, लेकिन वो इतना अटैच है अपनी जैकेट से, फेंकता नहीं अपनी जैकेट। अभी भी ले ही है तो कहता है मामा मैं मैं पहनूंगा अपनी पुरानी जैकेट, लेकिन ये आप ले लो। अब देखती हूँ क्या करता है, अब ये ना घुमा दे। पहले मैंने उसकी इतनी महंगी जैकेट ली थी तो घुमा के आ गया स्कूल में, पहले रो रो के पहनी कि मैंने नहीं पहनी, मैंने अपनी ओल्ड जैकेट ही पहनी है। वो जैकेट इतनी छोटी हो गई, उसकी बाजू यहाँ पे आ गया, लेकिन कहता मैं वो ही पहनूंगा, बहुत अटैच हो गया अपनी जैकेट से। अच्छा ये है, ये 1 pound के लिए है, 2 gloves अरमान के लिए, एक गुम गए तो दूसरे पहनेंगे, अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं। और ये एक ट्राउज़र लिए है, ये भी स्कूल के लिए लिया है अरमान की। और ये लिए है मैंने 4 pound की लिया, 9 to 10 साइज़ है, ठीक है। स्कूल में पी होती है ना तो फिर उसके लिए एक दिन स्कूल में पहनने के लिए, ठीक है। ये हो गया, थी पहले इसकी लेकिन थोड़ी सी छोटी हो गया, तो वो माहिरा पहनेगी, ये अरमान पहन लेगा। और ये माहिरा के शूज़ लिए मैंने, देखिए कितने प्यारे हैं। मैंने जो क्लॉक से मुझे मिल रहे थे ना, वो डॉल शूज़ नहीं होते जो वो वाले मिल रहे थे, जो स्कूल वाले होते हैं शूज़, यहाँ से जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं,
चिपकने वाले और लेसिस वाले, तो उससे ये होता है कि ना जब बारिश होती है बच्चे प्लेग्राउंड में तो खेलते ही हैं, जब हल्की हल्की भी हो रही हो तो वो सारे वेट हो जाती हैं टाइट्स, तो इससे ये है कि इसके टाइट्स वेट नहीं होंगे। ठीक है, ये शूज़ लिए हैं मैंने, कैठी बनी हुई है 14 पाउंड के लिए हैं, साइज़ मैंने माहिरा का लिया है 13, हाँ जी 13 लिया साइज़। ठीक है, ये पीछे पॉम पॉम लगे हुए हैं इस तरह बड़े प्यारे से, ये माहिरा के शूज़ हो गए। और अरमान के शूज लिए हैं, आपको दिखाती हूँ, अरमान ये अरमान के शूज हो गए, देखिए कितने अच्छे ऊपर तक हाई तक है ना, सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि हर 6 मंथ्स में ना इनको न्यू शूज लेने पड़ते हैं, छोटे हो जाते हैं शूज, तो फिर मैंने सर्दियों वाले ये ले लिए, जब गर्मी आएंगी तो फिर ये नहीं हाई ले लिया सर्दियों के लिए, और फिर गर्मियों के लिए गर्मियों जैसे शूज ले लूँगी 6 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में इनके शूज़ छोटे हो जाते हैं। ये 14 पाउंड के हैं और साइज 2 लिया है अरमान का, कितने अच्छा आ गए 14 पाउंड के, ज़बरदस्त। ठीक है, और ये माहिरा के लिए ली हैं वेस्ट 380 की, और 1, 2, 3 कितनी है इसके अंदर, 4 हैं, मैं खोल के ही देखती हूँ, खोल के ही दिखाती हूँ आपको, 4 का पैक है 380 का है, और ये इस तरह की है, बहुत अच्छी होती हैं, कॉटन की होती है ना, तो बच्चों को ना इतनी गर्मी भी नहीं लगती और रैश वगैरह भी नहीं होते बॉडी में, इसलिए मैं ये कॉटन वाली लेती हूँ। तो ये हो गई, 6 मंथ्स में फिर दोबारा लेनी पड़ेंगी ये चीज़ें। और यूनिकॉर्न वाली वेस्ट होगी, यूनिकॉर्न वाली पैंटीज होगी, ये भी माहिरा का, कितने का सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का पैक लिया है, ये देखें 10 का पैक पैंटीज का यूनिकॉर्न वाला, और इसकी प्राइस थी 5 पाउंड, रोज़ की एक हो गई ना, एवरीडे चेंज करते हैं बच्चे। और ये हो गया, स्कूल की टायर्स भी मिल गई मुझे वहाँ से प्राइमार्क से, मैं इतना हैरान हुई प्राइमार्क से मुझे स्कूल की टायर्स मिल गई, मैंने फटाफट ले ली, 4 पाउंड की 3 हैं, तो साइज़ लिया मैंने 7 to 8, थोड़ी बड़ी ली हैं टाइट्स क्योंकि वॉश करके श्रिंक हो जाती हैं, पता नहीं ये वाली होती कि नहीं होती, लेकिन मैंने साइज़ बड़ा ही लिया। माहिरा के लिए टोपी, क्योंकि अब स्कूल जाएंगे तो सुबह सुबह सर्दी होगी, सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो ये 2 पाउंड की ली है, साइज़ लिया है मैंने मीडियम ये माहिरा के लिए। ठीक है, उसने ही चूज़ किया माहिरा ने, मामा मैंने ये वाला कलर लेना है, मैंने कहा ओके। ये ग्लव्स हो गए माहिरा के, माहिरा के लिए भी 2 ग्लव्स लिए हैं 2 पेयर, और ये भी पोन का है, बहुत अच्छे ग्लव्स हैं पोन का, बच्चे एवरी डे घुमा देते हैं अपने ग्लव स्कूल में, तो ये पोन के 2 ज़बरदस्त। ये हो गया, एक वाइट है, मैं इसको कह रही थी ब्लैक ले ले, जैसे भाई ने लिया ब्लैक वाले, कहती नहीं मैंने मैचिंग करना है, मैंने कहा ठीक ही कह रही हो मैचिंग करना है तो चलो फिर ले लो। टोपी भी उसको यही पसंद आ रही थी, मैं कहती ब्लैक ले लो, कहती है नहीं मैं ये लूँगी, मैंने कहा चलो ले लूँगी। अरमान के लिए बॉक्सर्स लिए हैं 450 के, और साइज लिया है 9 to 10, मैं इस तरह के बॉक्सर्स पहनाती हूँ अरमान को, क्योंकि स्कूल में कपड़े वगैरह भी चेंज करना था, खैर अब तो नहीं कर रहे कोविड की वजह से, लेकिन पहले करते थे, तो ये इस तरह के बॉक्सर्स पहनाती हूँ। ये देखें ये 450 के 3 पेयर हैं। ठीक है, पहले उसके पास है मारियो वाला पैक, तो वो अब छोटा हो गया स्टील जैकेट की तरह, वो कहता है मामा मैं नहीं फेंकूंगा, मैंने कहा इतने टायर्ड हो गए आपको निशान बढ़ जाते हैं, तो अब अपनी चीज़ों से बहुत अटैच होता था, जो उसकी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको नहीं फेंकता। और माहिरा की जो बर्थडे आ रही है तो उसको 7 टॉयज चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, उसकी 28 सितंबर को उसकी बर्थडे होती है माहिरा की, तो फिर मैंने उसको 7 टॉयज चाहिए, मामा आई वॉन्ट 7 टॉयज, तो फिर मैंने ये इसका एक लिया, मैंने कहा इसको रैपअप कर लूँगी, और यूनिकॉर्न वाला बैग स्कूल में भी चाहिए काम आ जाएगा उसके, और ये लिया है यूनिकॉर्न वाली 3 बुक्स हैं, ये 150 की है, और ये बैग था 7 पाउंड का, और उसके अंदर पेंसिल्स हैं, रबर हैं, बुक हैं, 3 बुक्स हैं, नहीं एक्चुअली 3 बुक्स हैं अंदर, तो जब उसकी बर्थडे होगी ना फिर ये मैं रैप अप करके उसको दूंगी, अभी उसको पता नहीं है, मैंने जब बस ले लिया था उठा लिया था। और अरमान के लिए ये लिया है
उसको स्केचिंग का बहुत शौक है, वो इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाता है। माहिरा को भी, माहिरा भी डायरियाँ बहुत कलेक्ट करती है, वो भी छोटी छोटी पिक्चर्स बना के तो उनसे स्टोरी बनाती है कि बच्चे खेल रहे हैं पार्क में और उसकी मॉम और फ्रेंड्स साथ प्लेग्राउंड में आके, बहुत प्यारी वो बनाती है। मैं किसी दिन उसकी आपको दिखाऊंगी। और अरमान जो बनाता है, अरमान बनाता है जॉन सीना के स्केच और मारियो के स्केच, तो ये उसने लिया है स्केच बुक और ये साथ बहुत ज़बरदस्त बनाता है। मैंने ऊपर वार्डरोब पे लगाए हुए थे पिक्चर्स, शायद आपने मेरी वीडियोज़ में देखी हों ओल्ड, तो अब जब वो इसमें बनाएगा तो मैं उसको कहूँगी आपको दिखाई। और अरमान ने ये पेन लिया है साथ, तो डिफरेंट कलर है इसके अंदर, क्लिक करें तो कोई भी आ जाता है, तो उसको ये लेना था, ये लिया है, ये 150 का है। बस यही शॉपिंग थी आज की, तो ये मेरी थी, बिल फटा मेरे पे ये, और ये शॉपिंग होगी बच्चों की आज की। चलें आज की वीडियो यही थी, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और आपको आइडिया होगा कि प्राइम मार्क में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो अगर आप भी स्कूल के शूज़, टाइट्स, कुछ भी लेना चाहते हैं, स्कूल की टोपियाँ, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे घुमा भी देते हैं और आप इतनी प्राइस ही भी नहीं लेना चाहते, तो आप फटाफट भागें प्राइम मार्क। चलें जाते जाते एक अच्छी बात के साथ ब्लॉग को फिनिश करते हैं। अच्छी बात ये है कि जो आज है आज को जी लें, कल जो था वो गुजर गया, और जो आने वाला है उसकी फिक्र में अपने आज को मत ख़राब करें। तो अपने प्यारों के साथ, अपने प्यारे रिश्तों के साथ अपने आज को इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें, और लोगों की फिक्र करना, लोगों को जज करना, सब ये सब कुछ छोड़ के अपने आज को इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ, प्यार के साथ, खुश हो के अपनी ज़िंदगी, अपने आज को गुजारें, कल की फिक्र करके और जो गुज़र गया उसके बारे में सोच के अपने आज को मत ख़राब करें। चलें आज का व्लॉग यही था, दुआओं में याद रखें, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपके अच्छे अच्छे मकसद में आप लोगों को कामयाब करें। चलें कल मिलती हूँ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें ज़्यादा नहीं बोलने की आदत ना, तो बोल बोल के ना मेरे लफ्ज़ ही उल्टे हो जाते हैं। चलें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।